मुजफ्फरपुर बालिका गृह सेक्स कांड में लगातार सीबीआई नेताओं को अपने शिकंजे में कस रही है। इस मामले में एक नहीं बल्कि दो पूर्व समाज कल्याण मंत्री सीबीआई के रडार में हैं। जहां मंजू वर्मा अब पूरी तरह से सीबीआई की चपेट में हैं, तो अब पूर्व समाज कल्याण मंत्री दामोदर रावत भी जल्द लपेटे में आएंगे। हालांकि रावत लगातार इस मामले में अपने आप को बचाने में लगे हुए हैं। शनिवार को दामोदर रावत के बेटे राजीव रावत को जेडीयू युवा विंग से बाहर कर दिया गया। इसके बाद पिता अपना और अपने बेटे का बचाव करने मीडिया के सामने आए। सफाई पेश करते हुए ब्रजेश ठाकुर से किसी भी प्रकार के संबंध से इनकार किया। सरकार मीडिया में चल रहा है कि ब्रजेश ठाकुर से हमारा संबंध है, हमारे पुत्र के माध्यम से, यह बिल्कुल निराधार है। ना तो हमारा पुत्र इसमें किसी प्रकार से इन्वॉल्व है, ना हम इन्वॉल्व है। और समाज कल्याण मंत्री के रूप में हमने, जहाँ तक मुझे स्मरण है, मुजफ्फरपुर हम एक बार भी गए हो इसका भी स्मरण नहीं है, और गए तो परिसदन में रुके होंगे, हमको याद नहीं है, क्योंकि 8 वर्ष पूर्व की बात है। और कुल मिला के हम यही कह सकते हैं कि हम लोगों का कोई संलिप्तता नहीं है। मीडिया में कहाँ से बात आ रही है, सीबीआई उसकी जाँच करेगी। कहा यह जा रहा है कि ब्रजेश ठाकुर के पास से जो पर्ची मिली है उसमें आपका नाम है, उसमें कई लोगों का नाम है। नाम लिख देने से कुछ नहीं हो जाता है, परमाणु दिखा दें कि क्या है, हम लोग कब उनसे मिले हैं, क्या उनको सहयोग किया है। अच्छा, इस मामले में आ रही बात कि आपके बेटे को पार्टी से निकाला गया, इसी बात को लेकर? देखिए, पार्टी से निकालना या पार्टी में रखना वो तो प्रदेश अध्यक्ष जी का काम है। वो जो युवा के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, बिना किसी प्रकार का शोकाउज किए हुए, बिना किसी प्रकार से जांच करवाए हुए, जांच में कुछ आ जाता तो निकालते हैं, तो ठीक बात है, निकाले हैं तो ठीक है, कोई हम लोग को आपत्ति नहीं है। वही मंजू वर्मा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पहले पति चंदेश्वर वर्मा पर मुजफ्फरपुर बालिका गृह सेक्स कांड में संलिप्तता का आरोप, फिर इस्तीफा, उनके ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी और अब जिंदा कारतूस रखने के मामले में एफआईआर। इन दोनों नेताओं में यदि कुछ समान है तो वो है ब्रजेश ठाकुर। इन दिनों नेताओं के लिए सबसे बड़ा खौफ कोई है तो वह है ब्रजेश ठाकुर का नाम। बिहार के नेता भले ही ऊपर से दिखावे के लिए मुस्कुरा लेते हों, लेकिन बालिका गृह सेक्स कांड उजागर होने के बाद सबको डर सता रहा है कि कहीं उनका नाम ब्रजेश ठाकुर के साथ ना जुड़ जाए। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों समाज कल्याण मंत्री ने समाज का कितना कल्याण किया ये तो पता नहीं, लेकिन उन्हें अपमान का सामना जरूर करना पड़ रहा है।